दोस्तों एक यूट्यूब चैनल जिस पे लगभग मैंने 3 साल तक काम किया, अचानक से एक दिन जो है वो बंद हो जाता है। और वो जो चैनल था वो मेरा चैनल मोनेटाइज भी था, तो आप जानते हैं कि अगर एक मोनेटाइज चैनल बंद हो जाता है तो उसके बाद उस पर काम करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो ये वो मेरा चैनल था जिसका कि मोनेटाइजेशन जो है वो बंद हो चुका है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चैनल ही पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये जो है शुरुआत में एक टेक चैनल ही था, इस पे जो है उस टाइम लगभग 30,000 सब्सक्राइबर थे। फिलहाल तो जो है इस पे मैं एक्सपेरिमेंट के लिए शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूं, वैसे अब उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट के लिए यहां पर शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूं। उस टाइम इस पे 30,000 सब्सक्राइबर थे और अच्छा खासा ये चैनल चल रहा था, अच्छे खासे इस पे व्यूज भी आते थे। लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि YouTube तब से मेल आता है कि भाई आपका जो चैनल है वो बंद कर दिया गया है ड्यू टू इनवैलिड एक्टिविटी। अब यार मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे लगा यार पता नहीं क्या है, मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि हर यूट्यूबर को लगता है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, YouTube की ही गलती है। तो मैंने काफी सारे मेल वगैरह की, लेकिन इतने छोटे यूट्यूबर की कोई भी औकात नहीं रहती है, तो कुछ भी मेल वेल कुछ भी करते रहो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक बार रोटेशन बंद हो गया तो बंद हो गया। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया, मेल वेल करता रहता था ये कि भाई कुछ कोई तो तरीका निकले जिसकी वजह से ये चालू हो जाए। मैं काफ़ी सारे YouTube वीडियो देखता था लेकिन किसी से भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो फिर जो है मैंने ये दूसरा चैनल बनाया, तो मुझे बाद में पता चला कि यार असल में जो है मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से वो जो मेरा चैनल है उसका मोनेटाइजेशन बंद हुआ था। तो हुआ क्या था कि जैसे मैं कोई अपनी वीडियो अपलोड करता था तो मैं क्या करता था कि उसका मोनेटाइजेशन जो है उसको ऑन करके मैं क्या करता था, अपने मोबाइल से ही, मेरे 4-5 ID थी तो मैं जो है अपनी 4-5 ID से उसको है 10-20 बार जो है उसको देख लेता था। तो यार मुझे लगता था कि यार अगर मैं अपनी वीडियो देखूंगा और उस पर जो ऐड है उस पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो अर्निंग वो बढ़ जाएगी। तो मैं वही चीज़ करने के लिए बार बार अपनी वीडियो देखता था, उस पर ऐड आते थे तो मैं जो उनको क्लिक करता था, तो मुझे लगता कि भाई मेरी अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन ये पूरी चीज़ जो है इनवैलिड एक्टिविटी में चली जाती है और इसकी वजह से ही जो है वो मेरा चैनल बंद हुआ था। तो अगर आप एक नई यूट्यूबर है और आपका जो चैनल है अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अपनी अर्निंग बढ़ाने के चक्कर में ये सब काम मत करना कि अपनी ही मोबाइल से जाके जो है अपनी 10-20 ID बना के और उसी से जो है देख रहे हो ताकि जो है पैसे बढ़ जाए। तो तुम ये काम कर सकते हो कि भाई पहले मोनेटाइजेशन बंद कर दो, अगर तुमको व्यूज ही बढ़ाना है तो मोनेटाइजेशन बंद कर दो, उसके बाद जो है जितने व्यूज बढ़ाना है बढ़ा लो, उसके बाद मोनेटाइजेशन चालू करने के बाद अपने मोबाइल से प्लीज जो है अपनी वीडियो को मत देखना, क्योंकि एक भी गलती होगी तो भाई कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाएगा। हालांकि YouTube जो है पहले 3 महीने के लिए वार्निंग देता है, मतलब 3 महीने के लिए पहले बंद करता है, उसके बाद जो है हमेशा के लिए बंद कर देता है, दूसरा कोई चैनल नहीं देता। लेकिन ऐसा मत सोचना कि पहले वार्निंग देगा फिर उसके बाद बंद होगा तब तक देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार वार्निंग आ गई तो समझ लो कि तुम्हारा चैनल गया, उसका मोनेटाइजेशन जो है वो बंद होना कन्फर्म है। तो मैं बस यही आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता कि जो मैंने गलती की थी वो जो है आप भी ना करें, जिसकी वजह से आपका जो चैनल का है वो नुकसान हो जाए। तो आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।